हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर सुरक्षित और सेफ होंगे। तो गाइस, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मॉर्निंग का जितना काम है सब हो चुका है। ओ, इसमें लगाए। अच्छा, दो ये देरी है लगाने के लिए। सो गाइस, मॉर्निंग का हम लोगों का काम हो चुका है और दोपहर का लंच अभी बनेगा। तो आज लंच में अंडा चावल बनाऊँगी। और देखिए कैसे उतरती है ये नीचे, देखिए पलंग से अब अपने ही उतर जाएगी, अपने ही चढ़ जाएगी। इतनी बदमाश हो गई है परी। मैं भी बचपन पे ऐसे उतरती थी ना मम्मी। खिला दो। इसमें आइसक्रीम कहाँ है? ये तो सिर्फ स्टिक है, आइसक्रीम नहीं है इसमें। सो गाइज, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने निकाला है ये पायल छोटी का। उसका जो पायल वो पहनी हुई थी वो टूट गया था, तो इसे मैं चेंज कर दूँगी नया पायल में। अभी मैं इसे पहना दे रही हूँ क्योंकि फिर वो बड़ी हो जाएगी तो नहीं पहन पाएगी। स्कूल्स वगैरह में तो ये सब अलाउड ही नहीं रहते, तो इसलिए मैं अभी इसे पहना दे रही हूँ। और मैंने नया बिछिया निकाला है। बिछिया आप लोग क्या बोलते हैं इसे, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ज़रूर बताइएगा आप लोग इसमें इसे क्या बोलते हैं। हम लोग के यहाँ पे बिछिया बोलते हैं, आप लोग के यहाँ पे उन लोग के भी मारवाड़ी में बिछिया ही बोलते हैं, और हम लोग में भी बिछिया बिछुआ टोरिंग बोलते हैं और कुछ नहीं। सो गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी खबर ये है, बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज से ही बंगाल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट किस चीज़ का? कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, इसलिए 2 दिन का हाई अलर्ट किया गया है। आज है कौन सी तारीख? आज है 24th और नहीं 25th और 26th का किया गया है हाई अलर्ट। तो जैसे मिंकू आज बोली थी कि आज हम लोग कहीं बाहर जाएंगे करेंगे, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे लोग को लेके निकलना बहुत इम्पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सडनली कुछ हो जाए। बट ऐसे वेदर में तो अभी कुछ है नहीं, बादल किया हुआ है, बट अगर वैसा कुछ होता है तो देखिए, पता नहीं क्या जैसा भी रहेगा। आप लोगों को तो हम लोग बताएंगे ही करेंगे, बट हम लोग को बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतना है ना कि फर्स्ट टाइम जो अम्फान आया था ना, अम्फान में जो हम लोग का घर का कंडीशन हो गया था ना, वो उससे हम लोग डरे हुए हैं मेन कि वैसा कुछ ना हो जाए। और इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। अभी तो रिसेंटली आप लोग ने देखा था फनी, क्या आया था, क्या नाम था वो उसका, फैनी की क्या आया था अभी रिसेंटली जो आया था, मैंने व्लॉग भी बनाया था उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी मेन जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कट हो जाती है। तो थोड़े से भी तूफान वगैरह आती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ का बहुत जल्दी कट कर देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगी तो बहुत कुछ का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए उसका बहुत प्रॉब्लम है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, शाम तक तो पता चल ही जाएगा बारिश होगी कि नहीं होगी। आप लोगों को अप टू डेट बताते रहेंगे। और यहाँ पे मैं छोटी को पहना दूँगी पायल, पहनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मैं ये पहन लेती हूँ। अब बच्चे बाहर में खाना खा रहे हैं, छोटी ने खा लिया है, बड़ी खा रही है, पीहू खा रही है अभी तक। अब टाइट है ना, बहुत छोटे छोटे बिछे अच्छे लगते पहनने में, बड़े बड़े ना नहीं अच्छे क्योंकि मेरे फिंगर टोज बहुत छोटी छोटी हैं, मेरी टोज ना बहुत छोटी छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ना छोटे छोटे बिछे। ये सब मेरे शादी के बिछे हैं, पता है आपको, ये सब ना मुझे शादी में मुझे मिला था। तो मैं तो जल्दी पहनती नहीं हूँ कुछ भी ज्वेलरी। मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं, मैंने 5 साल में 2 बिछिया पहने, खाली 2 बिछुआ पहने, तो ये तीसरा बिछुआ है। 5 साल में 3 बिछुआ, तो 10 साल में 9 बिछुआ। बैठो, हाय बोलो। क्या खाया था? क्या खाया? चाट।
मैंने पहन लिया बिछिया। आपका एक पैर छोटा एक पैर बड़ा क्यों लग रहा है? बराबर करिए। ये पायल इधर आओ। परी क्या पहन रही हो? पैन। सीधा आप ले रहे हैं, ये तो जूते के लिए। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी। सो गाइज ये है सैटरडे का व्लॉग। एक्चुअली हम लोगों ने सैटरडे को व्लॉग कंप्लीट नहीं किया था, इस वजह से हम लोगों ने अभी संडे है आज, तो संडे से हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो हम लोगों ने कल आप लोगों से कहा था कि हाई अलर्ट किया गया है सब लोगों को, तो इसीलिए हम लोग डर से कहीं निकल नहीं रहे थे बच्चे लोगों को ले करके। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आज सुबह से हम लोगों को थोड़ा लगा कि मौसम आज चलो अच्छा है, आज थोड़ी धूप भी निकली थी मॉर्निंग में, तो लगा कि नहीं बारिश नहीं होगी। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या कि 12 बजे से जो कंटिन्यू बारिश हुई, इतनी ज़ोरों की बारिश हुई 12 बजे से, तो फिर हम लोगों को लगा लो अब तो ये बारिश लगी रहेगी बारिश ये वाली। तो उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद देखा कि नहीं बारिश बंद हो गई और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम बादल पूरा साफ़ हो चुका है और बारिश भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं निकली हूँ थोड़ा बच्चे लोग को लेकर के बाहर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को अभी तो नहीं बता सकती, मैं आप लोगों को पहुँच करके मैं दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पे गई हूँ। सो गाइज़ अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप इस व्लॉगिंग में हमारे साथ बने रहे और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देरी और आप लोग इंतज़ार करिए, बस हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर सुरक्षित और सेफ होंगे। सो गाइस आज है संडे और आज मैं आई हूँ अपने नानी के घर, तो देखिए मैं आपको अपनी नानी से मिलवाती हूँ। सो गाइस ये है मेरी बहन और ये देखिए ये है मेरी नानी। नानी हाय करो। हाय। और मेरे मामा थोड़े बाहर गए हैं, वो आते हैं तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, ठीक है? तो मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाई है कि मैं दीदी को ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, तो देखती हूँ उसने क्या बनाया है मेरे लिए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी बहन के साथ, अपनी नानी के साथ। ओके बाय। सो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, सो बहुत दिनों बाद मिले हैं तो इसीलिए देखिए हम लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, हम लोग बातें कर रहे हैं बैठ करके। लाइक कि मेरी नानी की ना बहुत तबीयत ख़राब रहती है, तो वो बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझसे मिलने आओ मिलने आओ, तो इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो आज बहुत मतलब समय निकाल करके फिर मैं उनसे मिलने के लिए गई। और मेरी मामी भी नहीं है, एक्चुअली मेरी जो बहन है वो जब छोटी थी बहुत छोटे में ही मेरी मामी की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए मेरी नानी ही बचपन से ही मेरी बहन को संभाल रही है, उसे पाल पोस करके बड़ा किया पढ़ाया लिखाया। तो मेरी नानी मतलब बहुत मेरी नानी ने स्ट्रगल किया है और अभी भी इस एज में मेरी नानी मतलब इतना काफ़ी मतलब वो करती हैं घर का काम वाम, मतलब जो भी रहता है मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई रहती है, वो कॉलेज जाती है ट्यूशन पढ़ाती है, जो भी मेरी नानी को मतलब जितना भी होता है मेरी नानी करती है, वो मतलब बैठी नहीं रहती है कि मतलब इस एज में बैठ जाए वो जाए, नहीं वो करती ही रहती हैं जितना भी हो उनसे वो करती रहती है काम। सो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग की गप्पे ख़त्म ही नहीं हो रही है। सो गाइस देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और देखिए मेरी बहन ने मेरे लिए क्या बनाया है, बिरयानी। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वाह ये तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मुँह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के? सो गाइस देखिए ये बिरयानी हमारी निकल चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खिलाऊंगी।
उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। खेलो परी, क्या कर रही हो? ये देखिए परी आते ही खेलना स्टार्ट हो गया इसका। परी क्या हो रहा है? अरे वाह, सो जाओ सो जाओ, इसी के ऊपर सो जाओ तुम। परी परी इधर देखो, इधर इधर इधर। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ सो गाइस, हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और अभी हम लोग बैठे हैं ऐसे ही। हम लोग गप्पे मार रहे थे दोनों बैठ करके। तो यहाँ पे मैं कितने सालों बाद आई हूँ अपने नानी के घर पे, मतलब बहुत साल हो गए हैं। मैं आती ही नहीं थी शादी के बाद, तो आना ही मतलब एकदम हो गया था, शादी हो गया था। शादी के पहले तो फिर भी मैं आ जाती थी पापा मम्मी के साथ में, लेकिन जब से शादी हुई है तब तो आना ही छूट गया एकदम। और मतलब कितने दिन, मतलब आने के बाद मैं ऐसा लग रहा है ना कि कितने दिनों बाद, मतलब मेरा जबकि मेरा बचपन यहाँ पे बीता है, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कितने दिनों बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। मतलब सब कुछ नया नया ऐसा लग रहा है। और क्या, बस ऐसे हम लोग बैठे हुए थे गप्पे मार रहे थे, खाना पीना हो गया। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाई थी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी वो बिरयानी, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी बनाई थी। तो वो हम लोगों ने खा ली है और अभी बैठ के ऐसे ही हम लोग गप्पे मार रहे हैं। थोड़ी देर में बस निकलेंगे हम लोग घर के लिए, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हम लोग थोड़ा सा गप्पे शप्पे कर लेते हैं। हाय बोलिए। सो गाइज, ये है मेरे मामा, मेरे सबसे अच्छे मामा। देखिए बोले, हाय बोलिए। कहाँ आदमी का मामा देख रहा है? आदमी दिखाएंगे कौन है, फ्रेंड्स लोग हैं। हाँ तो ये है मेरे मामा, मेरे सबसे प्यारे मामा है ये। तो गाइस अब हम लोग, तो गाइस अभी हम लोग का जाने का समय हो गया है, तो गाड़ी भी बुक हो गई है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे घर पर, करके दोनों को नींद भी आ गई है, तो दोनों जन गाड़ी में ही सो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो अभी घर जाएंगे हम लोग, तो मिलते हैं आप लोगों से घर पर। सो गाइज, हम अपने घर पर आ चुके हैं। तो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे अपने नानी के यहाँ जाने के लिए, तो आज वो दिन आया, आज मतलब वो समय मिला कि हम जा करके अपनी नानी से मिले। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जा करके, सब लोगों का इतना प्यार, मतलब मेरी नानी के यहाँ सबको, मतलब हमको इतना मानते हैं, हम लोगों को, मेरे मतलब हम लोग तीनों भाई बहन को बहुत मानते, बहुत प्यार करते हैं, मेरे मामा नानी। और मेरी बहन भी काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही थी कि दीदी आप आइए आइए, समय ही नहीं मिल पा रहा था कि उन लोगों से मिलने के लिए जाए, तो आज वो समय मिला तो हम लोग गए उनसे मिले। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों से मिल करके। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।